दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक बिजनेस बताने वाला हूँ जिसमें आपको गोबर प्लस अर्थवर्म जिसे केचुआ भी कहा जाता है उन्हें आपको मिक्स करना है और उसके ऊपर आपको जो क्रॉप्स का वेस्ट होता है वो डालना है और उसे रेगुलरली आपको पानी देना है। पानी देने के बाद आपका एक फाइनल प्रोडक्शन तैयार होगा, फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा और वो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचकर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। और इस तरह प्रोसेस करके जो आप प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। हर घर में डिमांड है, हर सिटी में डिमांड है, हर गांव में डिमांड है। इस तरह आप एक बड़ा मार्केट टारगेट करके बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमें कोई ऐसा बिजनेस बताओ, हमारे यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, हमारे गाँव में खाली जगह पड़ी है, या फिर मैं कोई फार्म लैंड है वहां पे मैं कौन सा बिजनेस शुरू कर सकता हूं। तो आज जो मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूं ना वो वही एक बिजनेस है। अगर आपके पास कोई जगह होगी उसे आप यूज कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप वो जगह रेंट पे भी लेकर ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। जिसमें आपको इस तरह वीडियो में देख रहे हो बेड है, ये एक पूरा एक बेड हो गया, इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह के बहुत सारे बेड्स है। अगर आपने इस तरह के 100 beds भी अपने जगह में बना लिए बिजनेस करने के लिए और वहां से अगर आप प्रोडक्शन करते हो, राइट, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, तो आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो 100 beds। तो इसी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ हरियाणा के यमुना नगर शहर में सर से मिलने और हम लोग डायरेक्टली साइट पे ही है जहां पर सर खुद भी ये बिजनेस करते हैं और लोगों को ये बिजनेस शुरू करवाने में मदद भी करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपका स्वागत है मेरी यूनिट पे, आप यहाँ टाइम निकाल के आए। मेरा नाम सुमित गिरी है और ऊर्जा वर्मी कंपोस्ट मेरी यूनिट का नाम है। आज हम आपके व्यूअर्स के लिए एक वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस लेके आए हैं जिसमें कि गाय के गोबर, गाय या भैंस का गोबर लेके हम उसको यूज करके एज ए रॉ मटेरियल उसमें अर्थवर्म डाल के यानी कि केचुआ उसमें डाल के एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जो इससे प्रोडक्ट बनता है उसको वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद या ऑर्गेनिक खाद भी बोलते हैं। तो सर ये वर्मी कंपोस्ट होता क्या है और इसकी डिमांड क्यों है इंडियन मार्केट में और हमारी व्यूअर्स को ये वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस क्यों करना चाहिए? सर वर्मी कंपोस्ट एक 16 पोषक तत्व वाला खाद है, ऑर्गेनिक खाद है। आजकल मार्केट में जो है केमिकल वाला खाद लोग यूज करते हैं जिसको यूरिया या डाई या कुछ और नाम से भी लोग यूज करते हैं, बट इन खाद को डालने से जमीन की उपजाऊ शक्ति है जो खत्म होती जा रही है, प्लस लोगों में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो ये जो खाद है जिसको हम वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद या ऑर्गेनिक खाद हम बोलते हैं, ये केमिकल रहित है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, प्लस इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है ना कि घटती है और लोगों को एक अच्छा ऑर्गेनिक फसल या ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक खाना जो है वो खाने को मिलता है। तो ये जो खाद है ये दिन प्रतिदिन इसकी जो डिमांड है मार्केट में, शहर में, सिटी में और स्टेट में जो है बढ़ती जा रही है। इसकी हावी डिमांड होने की वजह से सप्लाई इसकी कम है, तो कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है और अपने आप को एक अच्छा आउटपुट या अच्छा प्रॉफिट ले सकता है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद को जो है गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि आने वाले टाइम में जो है गवर्नमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा बायर हो सकता है और बहुत बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं, हर स्टेट में टेंडर निकलते हैं और आने वाले टाइम में क्या होगा, केमिकल खाद बंद हो जाएगी, फिर ये ऑर्गेनिक खाद को ही गवर्नमेंट जो है प्रोत्साहित करेगी और लोगों को बोलेगी कि इसी खाद को जो है एक बड़े स्तर पर यूज़ किया जाए। हर कोई किसान अपनी फसल में तो यूज़ करता ही है लेकिन किचन गार्डनिंग की वजह से या घरों में जो होते हैं उसकी वजह से हर कोई छोटे छोटे पैकेट में इसको खरीदता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बायर है। बड़े बड़े लॉन्स, गार्डन या फिर जो बाग होते हैं या आम के बाग, फलों के बाग, उनमें भी ये खाद जो है यूज की जाती है। तो दोस्तों आगे सर हम बताएंगे ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का जो बिजनेस है वो अगर आपको करना है तो कैसे करना है, कितनी जगह लगती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कैसे आपको बेड्स बनाने रहते हैं, रॉ मटेरियल क्या रहता है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ये बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है, इन्वेस्टमेंट कितने आएगी और मेन चीज बेचना कैसे है, कहां का आप इसे बेच सकते हो, सारी जानकारी सर हमें देंगे। और इस वीडियो को सर की मेहनत के लिए, मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आपसे इस बिजनेस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों आज आपको हम सिखाते हैं वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट को हम ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं, केचुआ खाद बोलते हैं या फिर कुछ अलग स्टेट में एक गांडुल खाद के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद या फिर गांडुल खाद, इसकी बनाने की एक ही विधि है, ये एक ही चीज़ है जो कि काउडंक या फिर बफेलो डंक से बनाया जाता है। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे जो ज़रूरी होती है वो ज़मीन होती है और जो ज़मीन है आपकी वो आपके या तो लीज पे हो सकती है या फिर आप जो है आपकी खुद की ज़मीन है उसमें भी कर सकते हो। ज़मीन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बारिश का पानी ज़्यादा ना आए, मीन्स कि बारिश जो है आके और निकल जाए, एक वहाँ पर लाइट की फैसिलिटी और वहाँ पर पानी की फैसिलिटी होनी ज़रूरी है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की खेती करने के लिए
लिए जो वर्मी बेड लगते हैं उन पे हमें नमी मेंटेन करने के लिए पानी डालना पड़ता है। तो ये दो तीन रिक्वायरमेंट है जिसकी सहायता से हम वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसका जो रॉ मटेरियल है वो गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है, जो हम आसपास में डेयरी या गौशाला से हम ले सकते हैं आराम से, वो कहीं से भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। सर, गोबर हम लाके कुछ इस तरह से फैला देते हैं, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं रखनी है। फैलाने का एक रीज़न होता है, इस तरह से माउंटेन या इसकी हाइट नहीं बनानी होती। 4 इंच या 6 इंच तक इसको हम रख सकते हैं ताकि इसके अंदर की जो गैस है वो निकल जाए, और इसके अंदर जो यूरिन होता है वो हमें निकालना होता है। यूरिन निकालने के लिए हम इसके ऊपर पानी डालते हैं और गैस को ख़त्म करने के लिए इसको हम पतला पतला फैला देते हैं। आप देख रहे होंगे ये हमारा गोबर पड़ा हुआ है, जो ट्रॉली आई थी वो ऐसे डंप करके गई है, उसको फैला देते हैं हम। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हमें बेड लगाने पड़ते हैं। ये आप बेड की शेप देख सकते हो, ये एक बेड है, ये सामने एक बेड है, ये एक बेड बना हुआ है, एक बेड ये बना हुआ है और एक बेड ये बना हुआ है। इस तरह से आगे भी बहुत सारे बेड हैं, ये देखिए सामने। तो इस लाइन में लगभग 14 बेड इस लाइन में लगे हुए हैं, और पूरे इस एक एकड़ में जो है मेरे टोटल 120 बेड से ज़्यादा बेड लगे हुए हैं। आप देख सकते हो बाकी बेड भी लगे हुए हैं और काम भी चालू है। जो आप डोम साइज़ देख रहे हो ये एक तरह से बेड ही है, ये कबर नुमा शेप होती है, और इसका साइज़ हम 3.5 फीट चौड़ाई और लगभग 3.5 फीट चौड़ाई और जो लंबाई है इसकी 30 फीट 40 फीट या 50 फीट अपने एरिया के हिसाब से रख सकते हैं। बेड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेड बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन को समतल करना है, समतल करने के बाद उस पर पन्नी बिछानी होती है, पन्नी आप कोई भी ले सकते हो मार्केट में, और उसके बाद हम उसके ऊपर गोबर डालते हैं। ये वही गोबर है जिसका हमने मीथेन और जो यूरिन है वो निकाला है। आप देख सकते हो ये बास्केट में जो है गोबर जा रहा है और इसको हम बेड पर डाल रहे हैं। बेड में डालने का तरीका एकदम से नहीं डालना होता है, आराम से धीरे धीरे डालना होता है। आप ये देख सकते हो वीडियो में, डाल के दिखाना। यस, ये सबसे अच्छा तरीका है गोबर डालने का। अब दूसरा टोकरा भी डाल दीजिए। अभी आपके सामने एक जो है सैंपल का हम बेड दिखा रहे हैं, और नीचे प्लास्टिक लग चुका है, ऊपर हमने गोबर डाल दिया है। इसके ऊपर अभी हम वर्म्स डालेंगे, वर्म्स के बाद हम पराली डालेंगे। अभी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो है हमारे पास वर्म्स होना चाहिए, जैसा कि आपको हमने वीडियो में दिखाया। ये वर्म्स जो है, इसे क्या बोलते हैं सर मार्केट में? इसको हम वर्म्स भी बोलते हैं, केचुआ भी बोलते हैं, और इसको गांडुल भी बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जब बेड हमारा बन जाता है, गोबर डल जाता है, उसके ऊपर डालते हैं। पर फीट पर हम 2 से 3 kg या 4 kg अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। जितने ज़्यादा पर फीट पे हमारा वर्म्स होगा उतनी जल्दी हमारी खाद बनेगी। ये देख सकते हो आप, हम धूप की वजह से इनका खाने के ऊपर डाले, गोबर के ऊपर डाले, तो वो कैसे अंदर जा रहे हैं। धूप ये सहन नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से अंदर चले जाएंगे। आप देख सकते हो कि हमने वर्म्स डाले गोबर के ऊपर, तो वो धूप की वजह से जो है अंदर चले जा रहे हैं, क्योंकि ये छाव का जीव है, गोबर इसका खाना है। तो ये अपने आप को धूप से बचाने के लिए नीचे चला जाएगा और अंदर जाके फिर जो है अपना प्रोसेस शुरू करेगा। अगर वर्म्स आपके ऊपर ओरिजिनल ब्रीड आपके पास वर्म्स रहेगी तो आपका खाद भी जो है टाइम पे बनेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल ब्रीड नहीं होगी तो आपके खाद बनने में टाइम बढ़ जाएगा। हो सकता है आपका खाद जो है बहुत टाइम ज़्यादा टाइम ले ले, उससे कि आपका जो है पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अर्थवर्म डालने के बाद हमें कुछ इस तरह का शेप देना होता है, ये एक कबरनुमा शेप है, माउंटेन शेप भी बोल देते हैं। इसका एक प्रॉपर शेप देना होता है, ये ज़रूरी होता है। अर्थवर्म जो है हमें चाहिए होता है, उसके बाद हमें पुराली चाहिए होती है, जो ये वाइट कलर जो हम इसको ढकने के लिए हम इसको ये पुराली क्या होता है सर? क्या पुराली? कुछ भी आप वेस्ट मटेरियल जो कि हमें ढकने के लिए यूज़ कर सके, धूप से बचाए, टेम्परेचर ना। पुराली डालने से हमें केचुए को गर्मी ना लगे, उसके ऊपर शेडो बने रहे, अंधेरा बना रहे, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना काम करें। अभी आपके सामने ये जो बेड है एक तैयार करके दिखाया है, पराली रख दी गई है। पराली के बाद हमें पानी देना होता है, जो कि हमें टाइमली देना होता है, और उसके बाद इसकी जो है खाद तैयार हो जाएगी। सेम इसी तरह से आगे के बेड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जिस तरह से देख सकते हैं आप, एक ये बेड बना हुआ है, ये बेड बना हुआ है, आप देख सकते हो अभी आपके सामने एक ये बेड बना हुआ है, ये बेड बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, और इसी तरह से बाकी के बेड हमने बनाए हुए हैं। बेड लगने के बाद हमें जो है इन सभी बेड पर पानी देना पड़ता है। लगभग 1.5 महीना हम इन बेडों पर पानी देते हैं, डिपेंड ऑन कि अल्टरनेट डे पर भी पानी दे सकते हैं, गर्मी जितनी ज्यादा होती है उस हिसाब से पानी देना होता है, फिर हमारी खाद जो है बनके तैयार हो जाती है। 1.5 महीने के बाद जब हम खाद कैसी बनती है, कैसे हम उसको उतारते हैं, क्या उसका कलर होता है, वो आपको अभी हमें अब दिखा रहा हूं। तो सर एक टेक्निकल क्वेश्चन, ये जो अर्थवर्म्स है हमारे, वो वर्मी कंपोस्ट कैसे बना पा रहे, इसके पीछे साइंस क्या है? और हम लोग ये पूरा पानी डाल रहे हैं,
और 1.5 महीने तक इसके अंदर क्या प्रोसेस चलती रहती है, क्या साइंस चलते रहता है जिससे हमें खाद मिलता है ऊपर? सर जैसे हम डेली खाना खाते हैं और डेली हम एक्सक्रीट करते हैं, सेम उसी तरह केचुआ भी खाना खाता है और एक्सक्रीट करने के लिए, पोटी करने के लिए वो ऊपर आता है। जो इसके अंदर हम केचुआ डालते हैं उसका खाना गोबर होता है, वो खाता है उसको और एक्सक्रीट करने के लिए ऊपर आता है, यानी कि पोटी करने के लिए ऊपर आता है। जो ये ऊपर आता है मतलब मीन्स कि वो रहता नीचे है, सबसे नीचे वाली लेयर के, और पोटी करने के लिए वो सबसे ऊपर आता है, यानी कि ऊपर आके एक्सक्रीट करने के बाद फिर नीचे चला जाता है, वो ऊपर की डायरेक्शन से फिर खाद बनते हुए चला जाता है। जो ऊपर ऊपर होता है वो हमारा खाद होता है। जो हमारा खाद है एक तरीके से वो अर्थवर्म का जो वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीट होती है, जो उसकी पोटी, तो वो हमारा खाद होता है। और इसमें उसके अलावा इसका अर्थवर्म का पसीना और अर्थवर्म का यूरिन भी उस खाद में मिक्स होता है, जो कि इसके पोषक तत्वों को बढ़ाता है। और ये आपके सामने दूसरा बेड है जिसकी अब हम आज खाद उतारने जा रहे हैं। इसकी हाइट आप देखोगे लगभग 1 फीट के आसपास है या उससे कम है, क्योंकि इसकी खाद जो है बन चुकी है। और वो अच्छा, ये जो है ये थोड़ा बड़ा है और ये कम है क्योंकि ये बन चुका है। इसको लगभग 2 महीने के आसपास ही हुआ है सर, 2 महीने में खाद बन जाती है, कम्प्लीटली बन जाती है। अभी दिखाओ सर जरा कि कैसे निकलते हैं अंदर से। जी खोलिए इसको। हाँ, ये पुराली होती है, इसको हम इसलिए ढकते हैं ताकि अंदर नमी बनी रहे, और केचुआ जो है वो अंधेरे में काम करता है, इसलिए हमें इसको ढकना पड़ता है। जैसे ही हम पुराली हटाते हैं बेड के ऊपर से, तो केचुआ है वो अलर्ट हो जाता है और वो धूप की वजह से नीचे चला जाता है। नीचे जाने की वजह से हमें आसानी हो जाती है, हम ऊपर का खाद जो है कलेक्ट करके हम अपने पास में रख लेते हैं। अभी आप देख सकते हो सामने हमने जो है पुराली हटा दिया बेड की, ताकि धूप पड़ेगी तो केचुआ जो है नीचे के अंदर चला जाता है, अलर्ट हो जाता है, और इसको थोड़ा साफ किया जा रहा है। साफ करने के बाद जो आप जो ये देख रहे हो, ये हमारा प्योर वर्मी कंपोस्ट है, जिसको हम केचुआ खाद, गांडुल खाद, या फिर इसको ऑर्गेनिक खाद के नाम से भी हम जाना जाता है। ये देखिए सर, ये प्योर एकदम खाद है जो कि मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। नीचे जो है, नीचे आपको वर्म्स दिखाई देंगे, ये देखिए कि ये वर्म्स है, सब नीचे भाग रहे हैं। ये जो वर्म्स है ये धूप की वजह से नीचे चले जाते हैं, ताकि हमें आसानी हो जाती है खाद उठाने में के लिए। ये ऊपर जो है ये पूरा खाद तैयार है सर, और इसके साथ में ये जो टाइम है अप्रैल, मार्च, जनवरी, इन दिनों में आपको अंडे भी दिखाई देंगे। ये देखिए, इन दिनों ये प्रजनन करते हैं, ये इसके वर्म्स के अंडे हैं सर, ये येलो कलर में जो है ये वम्स है, ये प्रजनन चल रहा है अभी इनका, ये अंडे, ये जो टाइम है अप्रैल का, इन दिनों में ये प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अच्छा। ये देखिएगा। और सर इसके नीचे तो काउ डंग है, वो येलो, इसके डंग, इसके नीचे ये जो है ये कच्चा गोबर है, ये इनका खाना है। ये नहीं जाएगा ना एंड सर, ये नहीं जाता क्योंकि ये इसका घर होता है। हाँ। ये इनके लिए हम छोड़ देते हैं, जो है इसके ऊपर ऊपर का जो है वही हमने कलेक्ट करके बेचना है। हाँ, वही कलेक्ट करके अच्छे से उसको फाइन करके करने के बाद मार्केट में सप्लाई होता है सर। अभी कुरेदे से कुरेदने के बाद इसकी एक ढेरी बना दी जाती है, जो कि बास्केट में या टोकरे में लेना आसानी हो जाता है, और उसको फिर हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं जहां से हमारी पैकिंग स्टार्ट होती है। इस तरह से हमारा खाद जो है इस बास्केट में या टोकरी में हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसको हमें एक जगह इकट्ठा करना होता है, कलेक्शन करना होता है, और यहाँ से फिर हम, ये हमने यहाँ पे जो है इकट्ठा किया हुआ है, जो बेडों से खाद उतर के आते हैं वो यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। सामने आपको छनाई मशीन है, छनाई करने का रीज़न ये रहता है सर, ये जो इसके ऊपर से इस तरह का जो ये सामान है ये निकल जाता है, फिल्टरों के बारीक हमारे पास खाद मिलती है जो कि एंड यूज़र तक जाती है। आप देख सकते हो ये इस तरह का खाद हमारा तैयार होता है, ये ब्लैक कलर में होता है और इसमें 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, कार्बन है, इस तरह के सारे पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं, जो एक फसल के लिए, किसी भी फसल, पेड़ पौधे, गमले, या फिर हम टेरिस गार्डनिंग की बात करें तो सब जगह पे ये खाद यूज़ होती है। और ये एक केमिकल रहित खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, इसका कोई नुकसान नहीं है, सालों साल चलती है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, हम इसको लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसका हमारी हेल्थ पे भी कोई बुरा असर नहीं होता। इस तरह से हमारा जो खाद है वो पैक होके कट्टों में हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, और मीनवाइल ऑर्डर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट में हम इसको सेल कर देते हैं। अभी आप सामने देख सकते हो, इसके ऊपर से हमने जो है खाद उतार लिया, नीचे जो है खाली वर्म्स बचे हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, जो वर्म्स है वो पहले से नीचे रहते हैं, वर्म्स को दोबारा डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, उसके ऊपर वर्म्स को हमें खाना देना पड़ता है, काउडंग गोबर जो इसका खाना है, उसके ऊपर फिर से हम पुराली डाल देंगे, उसके बाद फिर पानी देंगे, फिर खाद बन जाएगी, खाद उतारेंगे, फिर खाद उतारने के बाद फिर गोबर डालेंगे, फिर पुराली डालेंगे, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है और हम खाद उतार
उतार लेते हैं, हमारा जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको सिर्फ एक बार अर्थवर्म लेना है या केचुआ लेना है, या उसको हम गांडोल भी बोल देते हैं, सिर्फ एक बार लेना है। सिर्फ हमें उसके ऊपर गोबर डालना है, पुराली डालनी है, फिर पानी डालना है, और एक डेढ़ महीने बाद जो है हमारी खाद लगभग बन जाती है, उस खाद को उतारना है। ये साइकिल चलता रहता है। वम्स सिर्फ हमें एक बार लेना है, उसके बाद वम्स लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है तो हम इस तरह से केचुआ जो है पैक करके देते हैं, इसमें हम केचुआ रखते हैं और आपके पास पहुँचा देते हैं बाय ट्रांसपोर्ट। इसकी कुछ पैकिंग, फाइनल पैकिंग जो है वो इस तरह से होती है, आप देख सकते हो। ये जो है ट्रांसपोर्ट में इससे गिरता भी नहीं है मटेरियल, इसको बांध देते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। ये प्लास्टिक की कैरिट होती है और बाय ट्रांसपोर्ट ये चला जाता है। तो सर, ये जो हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया, खाद बनाया, इसका मार्केट कहाँ पर है और कहाँ का बिकता है और कहाँ यूज होता है, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। किसानों को बेच सकते हैं, गवर्नमेंट खुद खरीदती है, आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, जैसे टेरिस गार्डनिंग करते हैं कुछ लोग, या फिर इसको हम जो है अपनी फसलों में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्रांड बनाना चाहते हो तो आपको छोटी छोटी पैकिंग करनी पड़ेगी। छोटी छोटी पैकिंग करके जो लोग घर में किचन गार्डनिंग या टेरिस गार्डनिंग करते हैं तो वो छोटी पैकिंग में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस तरीके से भी आप इसको सेल कर सकते हो। और ये आपके फार्मर के, ओनली फार्मर ही नहीं इसे खरीदता, जितने भी बड़े बड़े ऑफिस है, कॉलेज है, या लाउन है, या गार्डन है, उन सभी बाग हैं, उन सभी जगह पे खाद यूज़ की जाती है। आप इसको सोशल वेबसाइट पे भी ब्रांड बना के अपना प्रमोशन कर सकते हैं, वीडियो बना के आप इसको अवेयरनेस कर सकते हो लोगों को। फूलों की नर्सरियाँ हैं, पोली हाउसेज है, या फिर एक किसान, नॉर्मल किसान भी इसका बायर है, तो हम वहाँ पे अपने इस खाद को बेच सकते हैं आराम से। सबसे मेन बात होती है सर, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है, इतना सब कुछ सेटअप करेगा, बेड्स बनाएगा, प्रॉफिट इसमें कैसे होता है, आगे कितने में बिकता है, और प्रॉफिट कैलकुलेशन इसका कैसे किया जाता है, कितना कमा सकता है अगर ये कोई बिजनेस शुरू करता है तो? सर, नॉर्मली जो है इस बिजनेस को करने में आपका जितने ज़्यादा बेड होते हैं उतनी ज़्यादा खाद निकलती है। अब मेरे यहाँ पे लगभग 120 से लेके 150 तक बेड हैं, तो एक बेड से एक महीने में लगभग 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अच्छा। सब कुछ खर्चे निकालने के बाद। अच्छा। तो जितने बेड से वो शुरू करना चाहता है तो उतना उसका प्रॉफिट होता है। इसमें जो है वर्म्स का मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। अगर वो एक बेड से वर्म्स भी बेचे, यानी केचुआ, यानी के गांडोल हम जिसको बोलते हैं, अगर उसको भी मार्केट में वो सेल करे तो एक बेड से लगभग 15,000 से 25,000 का वर्म्स निकलता है, डिपेंड ऑन कि उसको मार्केट में क्या जो है वो रेट मिल रहा है। और वर्म्स कहाँ बेचेगा वो? सर, वर्म्स बेचने के लिए जैसे नॉर्मल जो लोग इस काम को शुरू करना चाहते हैं, या कुछ गवर्नमेंट के साइट्स होती हैं, या सोशल वेबसाइट पे सर्च कर सकता है, या कुछ गवर्नमेंट है जो किसानों के जो है नए बेड्स लगाती है, तो उनको भी ये सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो किसी के पास में 70 बेड हैं या 100 बेड हैं, 70 बेड है तो 70,000 रुपये महीना खाद का उसका प्रॉफिट है, ना कि उसका टर्नओवर, ठीक है। और 100 बेड किसी के पास हैं तो 1,00,000 रुपये महीने का वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, इससे ज़्यादा कर सकता है अगर वो वर्म्स बेचें। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आती है सर ये बिज़नेस शुरू करने के लिए? सर, टोटल इन्वेस्टमेंट की जितने वो बेड लगाता है, एक बेड का खर्चा जो है लगभग 8,000 से 10,000 रुपये पर बेड का खर्चा आता है, और इसमें मेन इन्वेस्टमेंट अर्थवर्म की रहती है जो कि वन टाइम है। उसके बाद जो है इसमें गोबर लगती है, उसके बाद पराली लगती है, उसके बाद इसमें पानी लगता है और लेबर लगती है, बस, जो कि एक फिक्स कॉस्ट है। उसके अलावा जो है आपका वर्म्स जो वन टाइम है, और फिर आपको जो है खाद ही बेचनी है सर पैक करके। यहाँ पे सर ट्रेनिंग मैं फ्री देता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है, बस मैं जो है जो लोग शुरू करना चाहते हैं ये बिजनेस, उसको मैं वर्म्स प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा जो जो चीज़ें उसको चाहिए प्रोवाइड, हम वो सब चीज़ें करते हैं, डिपेंड उनकी वो उसके एरिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा।